दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आपके चैनल पर 3 से ज्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती हैं तो YouTube आपके चैनल को परमानेंटली डिलीट भी कर सकता है। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूंगा YouTube कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में और YouTube कॉपीराइट क्लेम के बारे में। मैं इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस बताऊंगा कि क्या होता है, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इन चीज़ों से आप कैसे अपने चैनल को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं YouTube कॉपीराइट क्लेम के बारे में। YouTube कॉपीराइट क्लेम कब आता है और इसको हटाने का तरीका क्या है? अगर आप किसी दूसरे का म्यूजिक या किसी दूसरे का वीडियो क्लिप अपने कंटेंट के अंदर यूज़ करते हैं, तब YouTube उसको डिटेक्ट कर लेता है एक कंटेंट आईडी के थ्रू, और तब आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आता है। कॉपीराइट क्लेम हटाने का सबसे अच्छा मेथड यही है कि आप या तो उस म्यूज़िक को चेंज कर दीजिए या फिर आप अपनी उस वीडियो को डिलीट भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे कुछ खास इम्पैक्ट आपके चैनल पर पड़ेगा नहीं। सिर्फ जिस वीडियो पर आपका कॉपीराइट क्लेम आता है वो वीडियो आपकी मोनेटाइज नहीं होगी, या फिर अगर मोनेटाइज होगी तो उसका रिवेन्यू जो उसका ओरिजिनल ऑनर है उसके हाथ में जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा कॉपीराइट क्लेम के बारे में। कॉपीराइट क्लेम आना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आप किसी का म्यूज़िक उठा लेते हो तब कॉपीराइट क्लेम आता है। अगर आप किसी की एज इट इज़ वीडियो क्लिप उठा लेते हो उसमें कोई भी चेंज किए बिना, तब आपके अकाउंट पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। दोस्तों, इसीलिए मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं 2 अलग अलग, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कि आप कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कॉपीराइट फ्री वीडियो फुटेज कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस को आसानी से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आपके चैनल पर 3 से ज़्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती हैं तो यूट्यूब के पास फुल अथॉरिटी होती है कि वो आपके चैनल को परमानेंटली डिलीट भी कर सकता है। तो दोस्तों, कोशिश करिए कि आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम तो आ जाए लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। कॉपीराइट स्ट्राइक कब आता है? जब आप किसी का कंटेंट एज इट इज़ अपने यूट्यूब अकाउंट पर शेयर कर देते हैं और उसकी अथॉरिटी के बिना, तो उसके पास में पूरा अधिकार होता है अपने कंटेंट को आपके अकाउंट से डिलीट करवाने का, और इसी कारण आपके अकाउंट पर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, जिसकी वजह से आपके चैनल पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और सबसे ज़्यादा जो ख़राब चीज़ है वो ये है कि आपका यूट्यूब चैनल परमानेंटली डिलीट भी हो सकता है। तो दोस्तों, इन बातों का ख्याल रखिए और यूट्यूब कॉपीराइट से अपने आप को बचाने के लिए कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक और कॉपीराइट फ्री वीडियोज़ हमेशा यूज़ कीजिए अपना कंटेंट बनाने के लिए। अब भी आपके मन में अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन देने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।